मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक औरत बधी हुई दिखाई देती है जो कि बच्चे को जन्म दे रही थी। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो रिसर्च करने के लिए आया था, लेकिन तब इसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है। वो सांप को मारकर खा रहा था। साइंटिस्ट उसे देखकर डर जाता है पर वो म्यूटेंट उससे कुछ भी नहीं करता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ दूसरा म्यूटेंट आ जाता है और उस साइंटिस्ट पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो सभी अपने बेस कैंप की ओर चले जाते हैं, पर वो पहले सेक्टर 16 में रुकते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो सभी कैंप में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, पर तभी उन्हें पहाड़ी की ओर से लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इसे देखकर सबको लगता है कि वहाँ किसी को मदद की ज़रूरत है, जिससे वो सभी सोल्जर्स वहाँ जाने लगते हैं। और दो सोल्जर्स वहीं पर रहते हैं जिनमें से एक का नाम नेपोलियन और दूसरे का नाम एम्बर होता है। उन दोनों को इस कैंप में इसलिए छोड़ा होता है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई साइंटिस्ट आए तो वो उन सभी सोल्जर्स को बता दें। कुछ देर बाद जब नेपोलियन टॉयलेट में फ्रेश हो रहा होता है तभी कमोड के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकलता है। यह देखकर नेपोलियन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। जब एम्बर टॉयलेट के अंदर जा देखती है तो वो टॉयलेट के अंदर एक आदमी होता है। वो दोनों उसे बाहर निकालते हैं। यह आदमी एक साइंटिस्ट था जिसका उन न्यूटन ने बुरी तरह से जख्मी करके मरने के लिए टॉयलेट में छोड़ दिया था। वो साइंटिस्ट उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ हैं, फिर वो साइंटिस्ट मर जाता है। ये सब देखकर वो दोनों सोल्जर्स घबरा जाते हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दिया है और साथ ही उनके सभी हथियार वहाँ से गायब हैं। फिर नेपोलियन फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन एम्बर कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेपोलियन अपने कमांडर का ऑर्डर मानते हुए वहीं रहता है पर एम्बर वहाँ से अकेले ही चली जाती है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक न्यूटेंट दिखता है जो उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद नेपोलियन उसे बचाने के लिए वहाँ चला जाता है। तभी वहाँ एक और सोल्जर आ जाता है जो उस न्यूटेंट पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो न्यूटेंट एक गड्ढे में चला जाता है पर वो दूसरे होल से निकलकर उस सोल्जर को अपनी ओर खींचने लगता है। अब उसे बचाने के लिए एम्बर और नेपोलियन उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो न्यूटेंट उस सोल्जर को अंदर खींच कर ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर्स उस जगह पर सर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। वो उसी सर्च ऑपरेशन का मेंबर था जिसको उन न्यूटेंट ने बेरहमी से मार दिया है, पर तभी वहाँ एक न्यूटेंट आ जाता है और उन सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है। सोल्जर्स उस पर गोली चलाते हैं जिससे वो बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गलती से बहुत सारी गोलियां कमांडर को लग जाती हैं जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वह नेपोलियन और एम्बर भी पहुंच जाते हैं और अपने साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। यह सब सुनकर वो समझ जाते हैं कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पास बाहर जाने के लिए ना तो गाड़ी है और ना ही किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई डिवाइस भी नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एम्बर और मिसी अकेले बैठे होते हैं और एक न्यूटेंट पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन ये उनकी एक प्लानिंग होती है जिसके बाद वो उस न्यूटेंट को मार देते हैं। पर वहाँ एक और न्यूटेंट आ जाता है और मिसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मिसी को बचाने के लिए वो सभी एक माइन की ओर भागने लगते हैं, जिसके बाद वो माइन के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन तभी नेपोलियन और एम्बर बेसमेंट में गिर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक हंसिल नाम का एक न्यूटेंट मिलता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। एक अच्छा न्यूटेंट था। वो उन्हें कहता है कि तुम यहाँ सेफ हो। हंसिल उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है, साथ ही मिसी को भी वहाँ से बाहर निकालता है, पर बाकी सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। और जब वो तीनों बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि इन पर कोई अभी भी नज़र रख रहा है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।